कलेप्स हो जाएगा और लोग वहां मुझे जूते मारेंगे, 12 करोड़ रुपए आप हमारे सवा करवा लें। और 6.5 करोड़ रुपए पानी के लिए गांव गांव मंत्री जी मेरे से कैंट बोर्ड में मांग रखी मीठे पानी के लिए, मैंने बड़ी आशा के साथ यहाँ पे वो प्रपोजल आपके पास जमा करवाया। हम जांच करके आपको पूरा बता सर, इसको अगली बोर्ड की मीटिंग अभी 12 तारीख को होने वाली है। मंत्री जी को बताओ ना, आप लिस्ट में क्यों नहीं आया? आप मतलब पैसा पर लिस्ट में नाम आना चाहिए था। एक मिनट सुनिए कमांडो गंभीर जी, जो भी गांव है चाहे वो एनडीएमसी एरिया के हो या कंटेनमेंट बोर्ड के हो, जो भी दिल्ली का गाँव है वो हमारी ग्रामीण इसकी विलेज बोर्ड का वो मतलब वो उसका वो नाम होना चाहिए। ये ऐसे नहीं चलेगा। देखो बात सुनूंगी सर, मैं नरेश त्यागी छतरपुर विधानसभा से। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि अब से पहले जो हम ग्रामीण विकास योजना के लिए बना रहे हैं, अगर हम बजट इसमें टाइम जिस जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है उसको टाइम नहीं देंगे, चाहे 15 दिन का है 10 दिन का, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल दे चुके हैं। अब से पहले मोहल्ला सभा का चला था, आज तक हमारे इसमें ये हो रहा है कि हम मीटिंगें करते हैं, डीएम ऑफिस में जाते हैं, हर संबंधित डिपार्टमेंट आते हैं, कोई सिर्फ फ्लड डिपार्टमेंट से काम हुआ है, बाकी एमसीडी के काम या जितने भी काम है आज तक कोई काम फील्ड पर नहीं हुआ है। अगर हम वही चीज दोबारा दोहरा गए तो हमारे को बहुत ज्यादा समस्या होगी। दूसरा, एमसीडी को तो अगर हम कोई भी काम ना दें तो हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा, आज तक हमारे पैसे ऐसे फंसे हुए हैं। धन्यवाद सर। एक सेकंड देखिए, अभी जो आपने कहा है इस बात को समझ लीजिए, जितने ग्रामीण एरिया के गांव हैं, हाँ जी, उन गांव में इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट से ही काम हो सकता है और आप लोग इस्टीमेट उसी से बनवाएं। लेकिन चूंकि जैसा कि आपने सुना है कि इस बोर्ड में अब जो गांव शहरीकृत हो चुके हैं उन शहरीकृत गांवों को भी इसमें जोड़ा गया है, जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लो कि मान लो कि हमारे विधानसभा है, उस विधानसभा में मौजपुर गांव है, उस मौजपुर गांव में शहरीकृत होने के नाते वहां पर विकास कार्य करने का जो मैंडेट है वो एमसीडी के पास है। दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि आप एस्टिमेट एमसीडी से ही बनवाइए, दूसरा ऑप्शन ये है कि एमसीडी से एनओसी लेकर के आइए। तो अगर आप एनओसी लेकर के आ जाते हैं तो दूसरी एजेंसी भी काम कर सकती है, लेकिन अगर एनओसी नहीं है तो एमसीडी से अगर आप बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, काम की गति तेज रहेगी, नंबर वन। नंबर टू कि अभी हमने ये डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि अब एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इसमें बन जाएगी जिसमें इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट के इंजीनियर के साथ साथ एमसीडी के भी इंजीनियर रहेंगे, जिससे कि इस तरह की जो लेट लतीफे की जो दिक्कतें हैं उसको हम रिजॉल्व कर सकें। नेक्स्ट, बवारा के अंदर जो इलेक्शन हुआ था वो वार्ड के लेवल पे था और बवारा के अंदर जो 2.5 साल में जो उसने विधायक ने जो काम नहीं कराए थे हमारे सारे पेंडिंग है और 2.5 साल के बाद 6 महीने गुजर गए हैं जो कि इस बोर्ड बना है। तो हमारे जो है बवारा के अंदर ये डिमांड है कि हर गाँव में काम सबसे पहले होना चाहिए। प्रस्ताव आएंगे तभी बोर्ड उसको पास करता जाए। सीलमपुर केवल लिखा हुआ है और मेरी गांधीनगर विधानसभा में केवल एक सीलमपुर गांव है तो कंफ्यूजन हो रहा है। गांधीनगर के काफी लोग मेरे गांव के आए हुए हैं कि सीलमपुर गांव है या सीलमपुर विधानसभा है। अगर सीलमपुर लिखा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर गए हुए थे तो वो जरा क्लेरिफाई करते। अच्छा, ये जो 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 विधायकों की बात आ रही है इसको नोट कर दीजिए और 12 तारीख को बोर्ड की मीटिंग में सारा प्रस्तुत करिए। क्योंकि सर हमने प्रपोजल सर आपके यहाँ दिया था सबसे पहले और उन्होंने शायद 2 करोड़ रुपए, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि गांधीनगर का सीलमपुर गांव है या कौन सा है ये बता दीजिए। नहीं नहीं, सीलमपुर विधानसभा में तो कोई है ही नहीं गाँव, गांधीनगर विधानसभा में है गाँव। अजीत नागर जी बैठे हैं उनको भी दिए, अशोक जी बैठे सारा कुछ किया तो ये क्लियर करें। हाँ जी, गांधीनगर विधानसभा है, गांधीनगर विधानसभा है, गांधीनगर के लोग सब लोग जोरदार ताली बजाएंगे।
मैं मंत्री जी लोगों को किसी भी मेरे ऊपर झूठ बोलती है। आपने अपनी समस्या अपने निगम पार्षद जी को अपने विधायक जी को अपनी समस्या बता दी। देखो हमारे यहाँ पे एक समस्या हमारे पास में गांव के पास में पार्क कॉलोनी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी वीरपाल है। नंबर बताइए अपना। वो नंबर बाढ़ में 68 590 420 जो ग्रामीण एरिया में फरार घर है उसका चार्ज लगता है? जी हाँ जी हाँ, ग्रामीण एरिया में। हाँ तो जो रूरल गांव है उनमें नहीं लगता, शहर के गांव में लगता है। हाँ तो जो एमसीडी का तो हिसाब मैं नहीं दे सकता, ग्राम विकास बोर्ड जो बनाएगा उसमें दे लेंगे। हाँ नए जो बनेंगे उसमें। धन्यवाद बहुत बहुत। आपको अपने गाँव में कोई भी काम करवाना है किसी को भी, जी जी, उसके लिए आप अपने कमेटी की गांव की मीटिंग करके प्रस्ताव बना लीजिए। माननीय विधायक जी के माध्यम से एमसीडी या इरिगेशन का डिपार्टमेंट एस्टिमेट बनेगा और वो फिर बोर्ड में सबमिट होगा और तब उसके बाद बोर्ड उस पर विचार करके उस पर कार्रवाई करेगा। उस रास्ते के जो हमें पैसा ना चाहिए वो रास्ता हमारी ग्राम सभा की फील्ड के आसपास लगा के उसमें खेलने का कूदने का बराबर सबसे बड़ी समस्या है। गरीब गांव में शादी के लिए जगह का अवसर नहीं होना, उसके लिए किसी फार्म में जाना 5 से 7 लाख रुपए लगते हैं। उस जमीन की रास्ते अगर हमारी ग्राम सभा के साथ लग जाए, वो जमीन हमारे गांव के काम आ जाए, तो आपका और इस बोर्ड का मैं आभारी हूं। नहीं, दो बातें। देखो ये बोर्ड जमीन के मामले हल नहीं करता, ये बोर्ड आपके गाँव के विकास का काम करता है। अगर कहीं पर ऐसा आपको लग रहा है तो आपको इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिलाधिकारी को आपको लिखित में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वहीं से इस मसले का हल होगा। सर जिस गांव की भी जमीन रिक्वायरमेंट हुई है वो पैसा उस बोर्ड को ट्रांसफर होता है? नहीं, बोर्ड ग्राम विकास बोर्ड को सरकार पैसा देती है, कहीं से पैसा ट्रांसफर नहीं, वो रेवेन्यू के पास होता है। हर गाँव में समस्या है आज तो मैंने बता दिया, उसके लिए आप जिलाधिकारी को एक आप लोग लिखित में आप उनको ज्ञापन दो जिलाधिकारी। आपके पास अगर पहले से प्रस्ताव नहीं है और नया कोई प्रस्ताव है तो वो आप मंत्रालय में जमा करिए, फिर उसके बोर्ड में चर्चा करें।